सेंट्रल रेल की ओर से अत्याधुनिक 300 टीएचवी विभाग 12 ग्राम इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव भारतीय रेल सुपुर्द किया गया। बुधवार को गवर्नमेंट डिपो अजनी में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सेंट्रल रेल के जनरल मैनेजर नरेश लालवानी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित हुए थे। इस प्रोजेक्ट के बारे में प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित सेंट्रल रेल के जनरल मैनेजर नरेश लालवानी ने बताया कि इससे लोकोमोटिव की रेल विभाग को जरूरत है। ये 2015 से शुरू किया जिससे रेल विभाग को काफी सहायता मिलती है। The agreement was signed 7 years back, which was in November 2015. और इस agreement की खास बात ये है कि इसमें एक joint venture बनाया गया है और ये joint venture है Indian Railways और Alstom के बीच। इस joint venture में 26% भागीदारी जो है वो railways की है, 74% जो भागीदारी है वो Alstom की है। इन 7 सालों में हमने 300 लोकोमोटिव बनाकर रेलवेज को दिए हैं और उसमें भी खास बात ये है कि जो रेलवेज ने इन्वेस्टमेंट किया था इस प्रोजेक्ट में उसमें से अधिकांश भाग हाई हॉर्सपावर लोकोमोटिव भारतीय रेलवे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये जो प्रोजेक्ट 2015 में शुरू हुआ था, आज इसका 300वां लोकोमोटिव जो है फ्लैग ऑफ हुआ है, टोटल 800 लोकोमोटिव बनाने हैं। तो ये लोकोमोटिव भारतीय रेलवे को मदद करेगा माल ढुलान में, जो हमारे टारगेट हैं। इस साल हमारा टारगेट 1500 टन का है, अगले साल यही टारगेट और फिक्स होना है, बढ़ते बढ़ते 2030 तक हमें 3000 करना है। तो ये उसमें हेल्प करेगा। किस तरह से? सी, इट इज़ लाइक दैट यू रिक्वायर ट्रेन्स टू मूव एट हाई स्पीड इवन ग्रेडियंट सेक्शन। सो वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन रेलवे इज अंडर पावरिंग, जिसके कारण जो है कई बार सॉलिंग होती है या हम फुल स्पीड नहीं पकड़ पाते जितना है, तो एवरेज लोगों के गुड्स इनकी एवरेज स्पीड काफ़ी कम हो जाती है, एक कारण ये भी है। तो कम से कम ये एक लोकोमोटिव जो है ये एक देगा, फ़ायदा करेगा। तो दूसरा जो आप लोगों ने देखा जिस तरह से मेंटेनेंस यहाँ होगा, हमारा स्टाफ, इनकी ट्रेनिंग, इनका वर्क कल्चर, तो उससे जो फ़ायदा होगा, और ये 4 साल बाद हमें हैंड ओवर हो जाना है शेड, तो फिर हम लोगों को मेंटेन करना है, तो वो एक नया कल्चर देगा। वर्कशॉप वी विल ट्राई टू, मतलब वील हैव टू नॉट ऑटोमेटिकली नॉट बिकम, वील हैव टू कैरी फॉरवर्ड इट, वी हैव टू डू समथिंग। लाइक हम लोग जो है अभी कर रहे हैं, जैसे यहाँ देखा इन्होंने फ्लोरिंग देखी, तो हमारे लोगों को हम सोच रहे हैं हमारे अजनी शेड पास में है उसमें भी वो फ्लोरिंग जो है इम्प्रूव करें, कुछ और भी प्रैक्टिसेस जो हैं आप देखेंगे हम लोग रिप्लीकेट करने की कोशिश। आई कांट से एवरीथिंग विल बी रिप्लीकेटेड, वी विल ट्राई टू इन अवर एरिया एंड डेफिनेटली सहारनपुर में वो लोग कर रहे होंगे। ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि हम रिप्लीकेट करेंगे, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस सीखने वाली है तो एक आदत की बात है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़, नागपुर।